अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ काशिफ जावेद। और नाज़रीन, मुल्क भर की तरह आज़ाद कश्मीर में भी ईद उल अज़हा इंतहाई मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है और मुल्क भर से शहरियों ने जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर के मुख्तलिफ सियासी मकामात का रुख कर लिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कैसी सियासी मकाम पर जो दारुल हुकूमत मुजफ़राबाद से तकरीबन 50 किलोमीटर की मुसाफत पर मौजूद है। बुलंदोबाला पहाड़ों के दरमियान बहता पानी हर एक को दावत नज़ारा दे रहा है। यहाँ पर बहुत सारे सयाह मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो यहाँ आकर कैसा महसूस कर रहे हैं। ज़्यादा मज़ा आता है, मैं इस्लामाबाद से आई हूँ। अक्सर हम लोग ईद पे यहाँ पे आते होते हैं तो मेरा बाकी सब लोगों को भी यही पैगाम एडवाइस है कि यहाँ पे आए, बहुत मज़ा आता है, बहुत रिफ्रेशमेंट भी होती है और बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं हम लोग यहाँ पे आकर। जी, यहाँ पे ये जो जसकूल आबशार है ये श्रीनगर मुजफ़राबाद रोड पर वाक़ है, बहुत ही खूबसूरत आबशार है। यहाँ पे पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के तुलो अर्थ से सयाहों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे आती है और यहाँ पे एंजॉय करते हैं। हम उन्हें पाकिस्तान के लोगों को भी ये दावत देते हैं, वो यहाँ पे आएँ, इंजॉय करें। बहुत बहुत अच्छा व्यू है और बहुत अच्छा जो है, बहुत अच्छी ये लोकेशन है। पर आए और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और दूसरों को भी यही कहूँगी कि वो यहाँ पर आएँ और इंजॉय करें, क्योंकि गर्मी के मौसम में इधर आके हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छी जगह है, ये जसकूल आबशार है, ये एक इंतहाई खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग भी यहाँ पे घूमने आते हैं और यहाँ पे आप अच्छा खासा क्राउड भी देख सकते हैं। मोस्टली लोग यहाँ पे घूमने आते हैं और मैं बहुत से जो लोग कश्मीर में नहीं आते घूमने के लिए उनसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी आए। कश्मीर में इससे भी ज़्यादा खूबसूरत जगह है और अच्छी अच्छी प्लेसेस है, आप यहाँ पर आए, यहाँ के माहौल है जो उसको इन्जॉय करें और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करें। जो ईद होती है, जो भी हॉलीडेज होती है, आप उसमें आए और कश्मीर कभी तक घूमें।